कल गोमती नगर में जो घटना हुई वो दुखद है, निंदनीय है और बताता है कि जो महिला विरोधी तत्व हैं उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। क्योंकि ये जहाँ घटना हुई वहाँ से मुश्किल से 50 कदम दूर भी 1090 चौराहा नहीं है, जहाँ जिसको कि महिला सशक्तिकरण चौराहा के बतौर जाना जाता है। अगर वहाँ पे महिलाओं के साथ इस तरह की छेड़खानी घटनाएं होती हैं तो इससे पता चलता है कि सरकार महिला सुरक्षा करने में कितनी विफल रही है। पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है क्योंकि एक अराजकता का माहौल लोग देख रहे हैं। सबसे दुखद बात यह है कि जो भी इसमें लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो महिलाओं के साथ छेड़खानी के वजह से गिरफ्तार किए गए हैं, वो अपराधी हैं। अगर मुख्यमंत्री जी उनको भी जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर संबोधित करेंगे, जैसा कि उन्होंने आज विधानसभा में किया, पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया जिसमें एक पवन यादव हैं, एक सुनील बारी हैं, एक विनय एक लड़का है, एक अरबाज है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ 2 कम्युनिटी से आने वाले लड़कों का नाम लिया। और ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री जी ऐसे गंभीर अपराधों को भी जाति के चश्मे से देखते हैं। उनके इस टिप्पणी से महिलाओं के प्रति जो उनका नज़रिया है ये भी इसका ही पोल खुलता है। और इस तरह की टिप्पणी से महिलाओं में भी ये संदेह जाता है कि चूंकि ये जाति के नज़रिए से देखने वाली सरकार है, सरकार को सूटेबल जो जातियाँ लगेगी उनके तरफ से अगर कोई लोग इस तरह की हरकत करते हैं तो उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री जी तो ऐसी भाषा बोल करके महिलाओं में और असुरक्षा की भावना फैला रहे हैं। सबसे अहम बात कि ये जो मानसिकता है वो एक बीमार मानसिकता है और मुख्यमंत्री जैसे बड़े ओहदे पे, जिम्मेदार ओहदे पे इस मानसिकता के साथ आप काम नहीं कर सकते। ये टोटली उनका जो बयान है ये उनको मुख्यमंत्री पद के अनुपयुक्त साबित करता है, उनको उस पद से हटा देना चाहिए। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।